नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पालघर जिला सांसद राजेंद्र गावित जब कभी मौका मिले अपने विरोधी खासकर बहुजन विकास आघाड़ी को घेरने से चूकते नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, वो आपको आगे मैं सिलसिलेवार बताऊंगा। एक बयान राजेंद्र गावित का मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वो बयान आप सुनिए पहले, क्या कुछ उसमें उन्होंने कुछ कहा है, उसके बाद मैं अपनी बात आगे कहूंगा। एक अभिमान वाटतो की साहेब आपण या ठिकाणी वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक अडचणी आहेत, परंतु या अडचणीवरती टप्प्याटप्प्याने या ठिकाणी महापालिकेच्या माध्यमातून अनेक चांगले उपक्रम या ठिकाणी आपण राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि खरोखरच नगरपालिकेच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देईन की ज्या दिवसापासून प्रशासक नेमला त्या दिवसापासून या महानगरपालिकेच्या अत्यंत सगळ्या प्रकारची चांगली कामं होत आहेत। रस्त्यांची असेल, तुमच्या ते प्रशासन भवनच्या संदर्भातले असतील किंवा आपलं भवनच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भवनापासून असेल, कोरोनाच्या काळामध्ये खरोखरच इथल्या कर्मचाऱ्यांनी साहेब प्रचंड मेहनत, मी खरं म्हणजे मी सलाम करतो। आपने ये बयान सुना, इस बयान में राजेंद्र गावित ने महानगर पालिका आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त की सराहना की और ये कहा कि जब से वसई विरार महानगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति हुई है तब से वसई विरार में महानगर पालिका अंतर्गत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो आपको बता दूं, राजेंद्र गावित का यह बयान कल सामने आया, कल वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में, मुख्यालय के चौथे माले पर जागतिक दिव्यांग दिवस, विश्व अपंग दिन के अवसर पर दिव्यांग लोगों को महानगर पालिका और दिव्यांग कल्याण विभाग के समन्वय से उनके रोजमर्रा में लगने वाली जीवनावश्यक वस्तु उपकरण का वितरण किया गया। उस समय इस कार्यक्रम में राजेंद्र गावित भी पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद राजेंद्र गावित को जब मौका मिला और उन्होंने अपना स्पीच दिया, तो स्पीच में मैंने जैसा आपने आगे सुना है कि इन्होंने सीधे सीधे महानगर पालिका प्रशासक की तारीफ की। तो आप सभी जानते हैं पिछले कई सालों से, 30 सालों से ज्यादा का समय हुआ बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत सत्ता में है। वसई विरार महानगर पालिका का गठन 2009 से हुआ, 13 साल में वसई विरार महानगर पालिका अभी चल रही है। उसके पहले नगर परिषद थी और तो वसई विरार पूरा वसई तालुका में 30 सालों का बहुजन विकास आघाड़ी का इतिहास है। हर बार विरोधी पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकाल में यहां पर कुछ विकास काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि बहुजन विकास आघाड़ी अपनी तरफ से ये बताती हमने ये विकास काम किया। वो एक राजनीतिक स्टंट है और दोनों ही पार्टियां पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें करते हैं, राजनीतिक तौर पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो एक साधारण सी और आम बातें। लेकिन यहां कल राजेंद्र गावित जिस कार्यक्रम में थे वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, पॉलिटिकल काम नहीं था, लेकिन वहां उन्होंने इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं थोड़ा ये जताने की कोशिश की कि बहुजन विकास आघाड़ी ने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रशासक राज के पहले सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी थी। वसई विरार महानगर पालिका का गठन से अब तक 2020 जब प्रशासक की नियुक्ति हुई तब तक बहुजन विकास आघाड़ी महानगर पालिका में सत्ताधारी रही है। और राजेंद्र गावित के बयान के मायने यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी के सत्ता में रहते यहां कुछ हुआ नहीं। हर क्षेत्र में महानगर पालिका आयुक्त की जिस दिन से प्रशासक के रूप में नियुक्ति हुई है उस दिन से अच्छे काम हुए, यानी पहले कुछ हुआ ही नहीं। सीधी सीधी बात करें सिंपल शब्दों में तो उनका कहना यह था। और तो और यह बात जब बहुजन राजेंद्र गावित ने यह बयान दिया तब वसई विरार महानगर पालिका कार्यालय में उस कार्यक्रम में कई पूर्व नगर सेवक जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के थे और दिव्यांग कल्याण विभाग के सदस्य या उसके पदाधिकारी थे वो खुद मौजूद थे। उनके सामने उनकी मौजूदगी में इस तरह का बयान राजेंद्र गावित ने देकर
कहीं न कहीं महानगर पालिका प्रशासन की बड़ा सराहना की, लेकिन सत्ताधारियों को जरूर नीचा दिखाने की कोशिश की, ऐसा कह सकते हैं। अब राजेंद्र गावित के बयान की सच्चाई की बात करें कि राजेंद्र गावित ने जो सराहना की, क्या जमीनी लेवल पर जमीनी हकीकत वो है? हमें सत्ता की, सत्ताधारियों की, हम पिछले 2009 से 12 की बात अभी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इस समय सत्ताधारी सत्ता में नहीं है, तो सीधे से एक ही जवाब मिलेगा कि हम क्या करें, हमारी सत्ता नहीं है। लेकिन इस समय प्रशासक राज से क्या वसई विरार महानगर पालिका वासी त्रस्त नहीं है, यह सवाल मैं राजेंद्र गावित से पूछना चाहूंगा। सांसद महोदय, इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या प्रशासक की शिकायतें लगातार नहीं आ रही है? कहीं कहीं दबे मुंह विपक्षी लोग भी, सत्ताधारी बहुजन वाली को छोड़ दीजिए, विपक्षी लोग भी ये कहते हैं कि इस समय यहां पर लोकल बॉडी नहीं है, उस वजह से कई काम अटक रहे हैं। नगर सेवकों के नहीं होने की वजह से महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे। अब यह बात अलग है कि राजेंद्र गावित उस पार्टी के सदस्य है जो पार्टी राज्य में सत्ता में है, इसके लिए शायद जो प्रशासक है उनकी बातों का बराबर अनुसरण कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि अभी अच्छे काम हुए। तो ये आपकी गलतफहमी है सांसद महोदय, अभी काफी लोग त्रस्त है। अभी अनिल पवार साहब फिर भी कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं मिलते हैं, और पत्रकारों के भी सवाल के जवाब अटपटे देते हैं, लेकिन इसके पहले गंगाधरन डी से तो कई मामले सामने आए थे, और प्रशासक में जब नियुक्ति हुई थी तो पहले गंगाधरन डी की हुई थी, उस समय कई राजनीतिक पार्टियां खुद उनके विरोध में खड़ी हुई थी, और उसके बाद आज अनिल पवार जी है तो इनका भी कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। इतना ही कहना चाहूंगा, ये वीडियो में आपने सुना है राजेंद्र गावित ने क्या कहा, तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद कि ज्या दिवसापासून प्रशासक नेमला आहे त्या दिवसापासून या महानगरपालिकेच्या अत्यंत सगळ्या प्रकारची चांगली कामं होत आहेत। रस्त्यांची असेल, तुमच्या ते प्रशासन भवनच्या संदर्भातले असतील, किंवा आपलं भवनच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भवनापासून असेल, कोरोनाच्या काळामध्ये खरोखरच इथल्या कर्मचाऱ्यांनी साहेब प्रचंड मेहनत। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।